नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं सही चौक लाइव। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कटिहार के तेलता ओपी में लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। इस पथराव में थाना प्रभारी सहित 3 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव किया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कटिहार के तेलता ओपी थाना क्षेत्र में पुलिस पर पथराव की एक घटना सामने आई है। आरोप है कि लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर लोगों ने पत्थर से हमला बोल दिया, जिसमें तेलता ओपी प्रभारी सहित कुल 3 पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना है। वहीं इस घटना में आरोपी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया है कि पुलिस ने उसकी लात घूसों से पिटाई की है। इस तरह का मैं मारा और पीछे पीछे से लात मार रहा है। मैं बोलता सर हमारा कसूर तो बताइए क्या किया, हम हमारा एक भी बात नहीं सुना। बोलते सर किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं हम लोगों के नाम ले सर में क्या हम लोग बिगाड़ा। एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हम लोग का कोई हाई फाई नहीं है। घर दार भी देख लीजिए आप, वो देख लीजिए। मेरा वालिद साहब के माइंड को डिस्टर्ब कर गए हैं। किसी कदर हम लोग घर को चलाते हैं पर हम लोग पर थोड़ा सा हम पे रम नहीं किया। किस बात में हमारा, हम ये प्रशासन से पूछना चाहते, लॉकडाउन का पालन नहीं करते, हम दुकान करके बैठते तो कुछ बात होता। पुलिस पर हमला और लॉकडाउन के उल्लंघन की धाराओं के तहत पुलिस ने नामजद सहित कई अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज करते हुए इस मामले में आरोपी 2 लोगों को गिरफ्तार कर ली है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी युवक की पिटाई के मामले को निराधार बताते हुए कटिहार के SP विकास कुमार ने कहा कि ये मामला लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर हमले से जुड़ा है और कुछ नहीं। ये माधेपुर एक गांव है तेलता में, जहाँ के मिर्साद आलम के विरुद्ध लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि वो चाय नाश्ता का दुकान खोलकर करीब करीब 20-25 की संख्या हम लोगों को बैठाते हैं, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावना है। ग्रामीणों के द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी। इस शिकायत के सत्यापन हेतु आज दिन में थानाध्यक्ष तेलता सशस्त्र बल के साथ वहाँ गए थे, जहाँ पर दिलसाद ने मिर्साद ने उनके अपने अन्य सहयोगियों के साथ उनके ऊपर और पुलिस बल पर आक्रमण कर दिया, जिसमें थानाध्यक्ष को चोट लगी है और कुछ सिपाही भी उसमें जख्मी हुआ है। नहीं, मिर्साद आलम का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। मिर्साद आलम लगत के बारे में शिकायत मिल रही थी, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस पर हमले के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी चिकित्सीय जांच कराई गई है। चिकित्सक ने उनके शरीर पर किसी भी प्रकार कोई जख्म नहीं पाया। बहरहाल जहां एक तरफ पत्थरबाजी से कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, वहीं इस मामले में आरोपी बनाए गए युवक के पुलिस पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो किसी तफ्तीश के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पर एक सच ये भी है कि पत्थरबाजी की इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तेलता से जगन्नाथ दास के साथ इमरान खान, टाइम्स न्यूज, कटिहार। आरोप प्रत्यारोप में क्या सच है, ये तो किसी जांच के बाद ही सामने आएगा। बढ़ते हैं आगे। कटिहार के DM ने आज कटिहार के अधिकारियों के साथ एक ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन किया और इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, कई महत्वपूर्ण जानकारी भी DM के द्वारा दिया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आज कटिहार के DM कमल तनुज ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। लगभग 4 घंटे चले इस कार्यशाला में DM ने सभी अधिकारियों सहित सिविल डिफेंस के शीर्ष नेतृत्व के लोग को भी किसी भी आपात स्थिति में लोगों की मदद कैसे करें, इससे जुड़े कई प्रशिक्षण दिए। इस प्रशिक्षण के दौरान DM ने जिले के सभी अधिकारियों को बेहतर और सुरक्षित सेवा जनता को उपलब्ध कराने के कई प्रशिक्षण दिए।
इस प्रशिक्षण में शामिल सिविल डिफेंस के अनिल चमरिया ने बताया कि प्रशिक्षण में आपात स्थिति में खुद अधिकारी और सिविल डिफेंस के लोग कैसे लोगों की मदद करेंगे उसके उन्नत प्रशिक्षण डीएम ने दिए। रतन कुमार, टाइम्स न्यूज, कटिहार। कोरोना महामारी के एहतियातन आपातकालीन जो भी तैयारी है उन तैयारियों का जायजा कटिहार के डीएम ने लिया। साथ ही एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें सभी पदाधिकारियों को आपात की स्थिति में निपटने की बेहतर ट्रेनिंग भी डीएम ने दी। आज के लिए मुझे और इमरान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।